हिमाचल प्रदेश के पास एक बड़े पर्वत के नीचे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उसका नाम था हिमाचल नगर। वहां लोग गर्मी के मौसम में बहुत खुश होते थे। वहां रास्ते पर दिखे अलग अलग प्रकार के पकवान खाकर खुश होते थे, लेकिन उस गांव में ठंड बहुत ज्यादा लगती थी। इसे रेडी पर चलने वाले कारोबार पूरी तरह रुक जाते थे। बस शाम होते ही गांव तो रुक सा ही जाता था। सब अपने अपने घरों में ठंड से बचते हुए बैठे रहते थे, कोई बाहर नहीं आता था। उसी गांव में गोविंद नाम का एक गरीब इंसान अपने बंडी पर बिरयानी बेचा करता था। उसके पास मिलता चिकन मटन बिरयानी उस जगह में बहुत मशहूर था। गोविंद अपने पत्नी बच्चों के साथ एक छोटे से झोपड़ी में गुजारा करता था। ठंड के मौसम में उसका व्यापार पूरी तरह रुक जाता था। इससे उसके पास करने और दूसरा कोई काम भी नहीं होता था, तो वो बहुत परेशान रहता था। बस स्टैंड में, रेलवे स्टेशन पर कूली का काम करते हुए पैसे कमाकर पत्नी को देता था। कभी कूली का काम नहीं मिलता तो उस दिन सब पानी पीकर पेट भरते थे। गोविंद के घर के पास ही परमेश नाम का एक बुरा आदमी रहता था। वो हमेशा पीकर जुआ खेलकर पैसों के लिए पत्नी बच्चों को मारते रहता था। गोविंद वो सब देखकर कई बार उसे रोका भी। एक दिन गोविंद की पत्नी, पता नहीं जी, ये ठंड आते ही हमारी परेशानियां शुरू हो जाती है। बेचारे बच्चों को भी भूखा रहना पड़ता है। भगवान हमें अच्छे दिन पता नहीं कब दिलाएगा, यूं कहा। तो गोविंद, वो भगवान जो भी करते हैं हमारे भलाई के लिए ही करते हैं, देखते हैं कि आगे हमारा क्या होता है, यूं कहा। एक दिन उस बर्फ में पेड़ के लकड़ी के लिए गोविंद जंगल में गया। तब उसे दिखाई दिया कि एक आदमी के पीछे भालू पड़ गया था। वो व्यक्ति डर से पुकारते हुए गोविंद के पास आया। तब गोविंद अपने पास जो लकड़ी थी उससे भालू को मारकर जोर से पुकारा, यूं पुकारा। बस वो भाग गया। तब वो व्यक्ति, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, ठीक समय पर तुम नहीं होते तो मेरी जान चली जाती थी। मैं जंगल में जड़ी बूटियों के लिए आया हूँ। मैं बहुत सारे मंत्र सीखा है। बोलो तुम्हें क्या चाहिए, पैसा या सोना? तब गोविंद अपने बारे में और परेशानियों के बारे में बताकर, श्रीमान, अगर मैं बहुत सारा धन ले लिया तो मैं बहुत आलसी हो जाऊंगा। मुझे मेहनत करके कमाना पसंद है। आप ही सोचकर कोई मदद कीजिए, यूं कहा। तब वो, हाँ हाँ, मैं जानबूझकर देखने के लिए ही कि तुम में कितना लालच है ऐसा पूछा। अगर तुम सोना या पैसे पूछे होते तो भी नहीं दे पाता। मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। वो एक मंत्र है, उसे पढ़ने से तुम्हें बिल्कुल ठंड नहीं लगेगी। तब तुम ठंडे के मौसम में भी अपना व्यापार कर सकते हो, यूं कहते हुए वो मंत्र कान में बोला। गोविंद घर आकर जो हुआ वो सब पत्नी से कहकर, मैं कल से फिर से बिरयानी बेचूंगा, वो भी घर घर जाकर। बस अब हमारा मुश्किल के दिन दूर हो जाएंगे, यूं कहा। अगले दिन बंडी के पास आकर वो मंत्र कहकर बंडी ढकेलते हुए, हाँ बिरयानी भाई, बिरयानी, गर्मा गर्म चिकन बिरयानी, गर्मा गर्म मटन बिरयानी आपके घर तक आया है। देखिए ये ठंड में गर्मा गर्म बिरयानी खाकर खुश हो जाइए, कहते हुए पुकारा। इससे घर में बैठकर बिरयानी जो नहीं बना सके वे सारे लोग आकर उसके पास बिरयानी खरीदकर खाए। इससे उसे खूब पैसे मिले। कुछ सालों में वो अच्छा घर कार सब खरीदा। एक दिन परमेश गोविंद और उसकी पत्नी की बातें सुन रहा था तो उसे मंत्र के बारे में पता चला। अब
अगले दिन वो गोविंद के पैर पकड़कर, दोस्त मेरा पत्नी और बच्चों के ऊपर खसम खाता हूँ, मैं अब बदल गया हूँ, वो मंत्र क्या है मुझे भी बताओगे तो मैं भी बिरयानी बेचकर अपना परिवार पाल सकूँगा, मेरा यकीन करो प्लीज। यूं कहा गोविंद उसे उठाकर, छी ये क्या कर रहे हो परमेश, अगर तुम्हारा भला होगा तो मैं क्यों नहीं बोलूँगा, कहते हुए वो मंत्र कान में कहा। बस तब परमेश कितने मूर्ख हो रहे तुम, अब देखो तुम्हारा काम तो गया, तुम बिरयानी 100 में बेच रहे हो तो मैं केवल 50 में ही बेचूंगा, टुकड़े कम डालूंगा, सड़ा हुआ चीजों का इस्तेमाल करके बिरयानी बनाकर पैसे पूरा बचा लूंगा। मुझ पर भरोसा करके मंत्र बोल दिया रे तुमने। यूं कहा तो गोविंद दंग रह गया। अगले दिन परमेश बिरयानी लेकर, अरे ओ गोविंद देखो देखो बिना शर्ट के बिरयानी बेचूंगा तो वो एक अलग किस्म का वैरायटी होगा और मुझे अच्छा नाम मिलेगा, सब सिक्स पैक बिरयानी वाला कहते हुए नाम रखेंगे, देखो देखो, कहकर शर्ट निकालकर मंत्र पढ़ा, लेकिन वो मंत्र काम नहीं किया, बस वो देखते देखते एक बर्फ के मूर्ति में बदल कर नीचे गिर गया।